कहूंगा कि आईबी के इन्फॉर्मेशन के बाद अगर ये चूक होती है तो सरकार की लापरवाही कही जाएगी। और मैं नहीं बोलना चाहता इस समय, सरकार तो अभी नाम की कोई चीज है नहीं, सरकार तो सरकार के बचाने के जुगाड़ में लगी हुई है। और इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, केंद्र की सरकार भी कोई उग्रवादी आतंकवादी पर ठोस नीति बनाने में असफल रही और बिहार को लोग सॉफ्ट जोन में मान रहे हैं, जहां की सरकार एक आतंकवादी इशरत जहां को अगर बिहार की बेटी और राजनीति से जोड़ेगा तो आतंकवादियों का मन नहीं बढ़ेगा तो और क्या होगा। और इसीलिए मैं मानता हूं कि चूक हुई है, बहुत बड़ी चूक हुई है, राज्य सरकार से इसको गंभीर से लेनी चाहिए थी और आईबी के रिपोर्ट पर गंभीरता से ली गई होती तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती।